बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411084214 और 9953737799। शहर फैजाबाद के इमामबाड़ा जवाहर अली खां में तमाम शहर के मोमिनीन और मुस्लिमीन और बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत अफराद यहाँ जमा हुए, जो बगदाद के एयरपोर्ट पर वाकया हुआ है जनाब सरदार कासिम सुलेमानी का, उनके साथ वालों का, और जो इस तरह वहशियाना अंदाज में उनको शहीद किया गया है, हमारी उस सिलसिले में गम गुस्सा भी है और उनको खराज अकीदत भी हम पेश कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि जो उनके सिलसिले से आतंकवाद दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया है, ये उन अफरादों से रिपोर्ट लें और उन चैनलों को बल्कि ख़त्म करें या उनके चैनल के ज़रिए इस बात के ऐलान किया जाए कि उन्होंने ये गलत ऐलान किया है। जो इंसानियत के लिए काम करता है वो दहशतगर्द कभी नहीं होता है, और इंसानियत के खिलाफ जो आदमी आएगा या जालिम होगा, हम उसके भी आज खिलाफ हैं, चाहे हमारे मुल्क पर रहने वाला हो चाहे गैर मुल्की अफराद, इसी के लिए हम यहाँ सब जमा हुए। देखिए, जो अभी ईरान में आप विश्व पटल पर देख रहे होंगे कि ईरान में काफ़ी हलचल है, वहाँ पर वहाँ जो मेजर जनरल कासिम सुलेमानी साहब का जो है इंतकाल हुआ है उसको लेकर के वहाँ के लोग जो है काफ़ी आक्रोशित हैं। तो सिया कम्युनिटी के लोग हैं, तो हमारे यहाँ भी फैजाबाद में जो सिया कम्युनिटी के लोग हैं उसके परिप्रेक्ष्य में वो लोग अपना विरोध जता रहे थे, तो जिसके तहत चूँकि यहाँ पर कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से धारा 144 लागू है, तो आप लोगों ने मजलिस के बाद प्रशासन के सहयोग से बात हुई और यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा गया सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को, जो उचित माध्यम से गंतव्य जगह को पहुँचा दिया गया। जो इनकी मांगें हैं उनकी मांगों को उस ज्ञापन में लिखा हुआ है और उसको गंतव्य जगह को आवश्यक कार्रवाई हेतु पहुँचा दिया जाएगा।